Hey guys, welcome back to the channel. मैंने विकास मोबादी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, पीछे लिखा हुआ मनोरा धाम, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं। और मनोरा धाम जो है वो बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। हम लोग आए हैं कुंदर की बिलारी से शाहबाद रोड होते हुए बाय बाइक, और काफ़ी अच्छा लगा मतलब यहाँ पे आके। अभी हम फाइनल पहुँचे हैं। और जैसा आप कभी खाटू श्याम गए होंगे तो वहाँ पर तोरण द्वार सेम इसी की थीम पे बना हुआ है ये तोरण द्वार। अब इस पर पेंट नहीं हुआ है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब लिटरली काफ़ी प्यारा लगेगा। ये वाली रोड भी नहीं बनी है, जब ये रोड बन जाएगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आज है संडे और आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं, यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर के नज़दीक जाते हुए, और यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी है। यहाँ पे लोगों के जो खेत है ना, उसी को पार्किंग बना दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाली है, यहाँ पे प्रसाद लो और अपना जो भी है वाहन खड़ा कर सकते हो। दोस्तों अभी हम लाइन देख के आ रहे हैं, मंदिर से कम 1 किलोमीटर दूर की लाइन है, और आप देख सकते हो वापस आना पड़ा हमें। और भाई प्रसाद वालों ने तो जान ही ले रखी है सच में। अभी समय हुआ है 8 बजे का और हम लाइन में लग चुके हैं। भाई साहब भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बस क्या ही बताएं। लाइन यहाँ तक पहुँच चुकी है कुछ ये। तो दोस्तों फाइनली हमने बाबा का प्रसाद ले लिया है। समय जो है वो 10 बज चुके हैं और हमें 2 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए पूरे। तो अभी बाकी देखते हैं, 1 घंटा और लगेगा लगभग, बाकी जैसा भी होगा। लेकिन भीड़ भाई भयंकर है और धूप उससे ज़्यादा भयंकर है। अभी 10 बजे हैं तो आप समझ सकते हो, बाकी 11-12 बजे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़। दोस्तों आप भीड़ भाड़ देख सकते हो और सामने ही आपको मंदिर नज़र आ जाएगा। 2.5 घंटे की तपस्या के बाद मंदिर के दर्शन होते हुए। तो ये है कुछ दुकानें यहाँ पे, और जो कि बिल्कुल मंदिर के सामने है, इधर सामने मंदिर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ पे प्रसाद और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इधर भी कुछ शॉप्स लगी हुई हैं, और बाकी रोड जो है वो ऐसी है, मतलब ईंटों वाली रोड है, कच्ची सी कह सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी 11 बज चुके हैं और हम लोग हैं मंदिर के पास में। वैसे पिछले 3 घंटे से मंदिर के पास में ही है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा पास में है और 2 लाइनें हो गई हैं। ये लाइन जो है वो जो यहाँ के महंत जी हैं बाबा जी, उनसे मिलने की है और जल लेने की है, और ये लाइन प्रसाद चढ़ाने की। तो हम अभी प्रसाद वाली लाइन में हैं। और आप कभी भी आ रहे हैं तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में ही आके लाइन में लगें। दोपहरी में तो भाई अब 2-3 महीने तो बहुत हालत ख़राब रहने वाली है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, जल्दी आएँ और जल्दी दर्शन करें। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं, जो बैरिकेडिंग हो रखी है उसमें। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट था हमारा, जिग जैग था, और कुछ ऐसा सीन है, आप देख लो एक बार। ये लास्ट पॉइंट था, अभी फ़िलहाल लाइन चलती रहेगी ऐसे ही। और बाकी भाई बहुत टाइम हो चुका है, यानी कि लगभग 1 बज चुका है, 8 बजे से लगे लगे। तो दोस्तों प्रसाद तो हमारा फाइनली चढ़ गया, बाकी भीड़ आप देख सकते हो, देख रहे हो दोस्तों, ख़तरनाक सी लाइन। तो यहाँ तक एंड हुई है हमारी जो जल वाली लाइन थी या महंत जी वाली। बाकी जो प्रसाद वाली लाइन है वो अभी भी भाई बहुत लंबी, विकट वाली लंबी हो रखी है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये था मनोरा धाम। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जो कि फेमस मंदिर, आपने कहीं ना कहीं वीडियो में किसी के मुँह सुना ज़रूर होगा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 5 घंटे की लाइन थी और 5 सेकंड के दर्शन थे। अगर आप भी करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ, क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है और उससे ज़्यादा गर्मी, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। और लाइन में लग जाना है, दर्शन कर लेने आसानी से हो जाएंगे आपके दर्शन। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जय श्री श्याम कॉमेंट में जरूर लिखिएगा।